नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट स्पार्क। इस चैनल के माध्यम से हम पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बुक कवर कर रहे हैं। अगर आप इंडियन पॉलिटी को, भारतीय राज व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो आप अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। द अल्टीमेट स्पार्क ये हमारे चैनल का नाम है और बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आए और आप वीडियोज का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 19, वाइस प्रेसिडेंट। ये चैप्टर है, इसे हम शुरू कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। तो जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का मेन काम यही है कि वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। ठीक है, वो प्रिसाइड करते हैं, वो अध्यक्षता करते हैं राज्यसभा की। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। इस समय कौन है स्पीकर लोकसभा के? ओम बिरला। ऐसे ही जो राज्यसभा चेयरमैन है वो कौन होते हैं? कौन है इस समय? जगदीप धनखड़ साहब। उससे पहले कौन थे? एम वेंकैया नायडू। तो ये चेयरमैन भी हैं। ठीक है, यही वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसका जो ऑफिस है वो पूरे भारत के अंदर सेकंड हाईएस्ट ऑफिस होता है पूरे राष्ट्र में। पहले नंबर पे कौन है? प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति। इस समय मौजूदा समय में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री, रैंक वाइज नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट, मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो मतलब ये जो हमने वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, ये जो पोस्ट है, ये हमने अमेरिका से ली हुई है। सेम अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट मॉडल है उसको हमने अपने इंडिया में अपनाया हुआ है। जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट होता है वो भी अपने अमेरिकन जो उनका जो सीनेट है, जो अपर हाउस है, उसका जो चेयरमैन होता है वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट होता है। ऐसे ही हमारी पार्लियामेंट के अंदर जो अपर हाउस है वो राज्यसभा है। राज्यसभा अपर हाउस का चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का। ठीक है, चेयरमैन। तो बात करेंगे कि इलेक्शन की, कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है, कैसे उसका चुनाव होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट के जो चुनाव हैं वो भी प्रेसिडेंट की तरह इनडायरेक्टली होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते। डायरेक्ट इलेक्शन यानी कि लोगों के द्वारा डायरेक्टली उनको नहीं चुना जाता, इनडायरेक्टली चुना जाता है। मतलब लोगों के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पर MLAs हों या फिर नेशनल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट के मेंबर्स, MPs हों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों, वो सब चुनते हैं प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को। दोनों का इलेक्टोरल कॉलेज अलग है। प्रेसिडेंट को चुनने के लिए इलेक्टेड MLAs, चाहे वो स्टेट के हों, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज के हों, इलेक्टेड MLAs एंड इलेक्टेड MPs, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो राज्यसभा के हों, वो सब प्रेसिडेंट को चुनते हैं। प्रेसिडेंट का एक अलग इलेक्टोरल कॉलेज होता है, और इलेक्टोरल कॉलेज यानी इलेक्टोरल कॉलेज बना दिया जाता है, और इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स हैं वही प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज अलग होता है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स हैं वही वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दोनों के इलेक्टोरल कॉलेज को समझते हैं कि कौन कौन उसमें शामिल होते हैं, कंसिस्ट करते हैं, इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो
लाइक प्रेसिडेंट नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल बट बाय इनडायरेक्टली, ठीक है, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है और प्रेसिडेंट को भी चुना जाता है। प्रेसिडेंट्स इलेक्टोरल कॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्टोरल कॉलेज, तो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज और ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज नॉट काउंसिल, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव असेंबलीज लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट का जो है वो है कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बोथ, नॉट इंक्लूड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब और आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं, देखिए सबसे पहले समझाते हैं वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज। ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सभी मेंबर्स आ जाएंगे, राज्यसभा के सभी इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड लोकसभा के भी इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है, ये पार्लियामेंट के राज्यसभा के ऑल नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स एंड लोकसभा के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स सभी आ जाएंगे। ये हो गया वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये जो मेंबर्स हैं इलेक्टोरल कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट के, ये सभी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में भाग लेंगे, इलेक्टोरल प्रोसेस में भाग लेंगे, ठीक है। ये छोटा सा सीमित सा वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है। और बात करें प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज की, तो इसके अंदर पहली बात, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी नॉमिनेटेड नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे। प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो बड़ा होता है, इसके अंदर राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, इसके अलावा जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं यानी एमएलएज हैं, इलेक्टेड एमएलएज नॉट नॉमिनेटेड, एंड जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसके भी इलेक्टेड एमएलएज नॉट नॉमिनेटेड एमएलएज, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में भी विधानसभा है, 70 सीटें हैं दिल्ली के विधानसभा के अंदर, 70 विधायक रहते हैं, तो वहां पर भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सभी मेंबर्स एमएलएज इलेक्टेड एंड यूनियन टेरिटरीज के भी जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसके मेंबर्स एमएलएज इलेक्टेड एमएलएज वो सब प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होते हैं, ठीक है। और जहां कुछ ऐसे राज्य हैं, बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, यूनियन यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहां बाइकैमरलिज्म है, दो सदन हैं, स्टेट लेवल पर भी दो सदन हैं, एक नीचे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और ऊपर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। देन बात करें कि ये डिफरेंस क्यों, प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो बड़ा है और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज छोटा है, सीमित है,
ऐसा क्यों, वाई डिफरेंस क्यों है, भेदभाव क्यों है? देखिए, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट पूरे के पूरे राष्ट्र, पूरे नेशन का हेड है। उसका जो योगदान रहता है वो स्टेट लेवल पर भी रहता है और सेंट्रल लेवल पर भी रहता है एडमिनिस्ट्रेशन में। पर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट उनका फंक्शन सिर्फ इतना है कि वो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, वो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, प्रिसाइड करते हैं राज्यसभा को, ठीक है। और बहुत कम ऐसे ओकेजन हैं जब वो एक प्रेसिडेंट की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी हमने बात कर ली है, कब कब वो भूमिका निभाते हैं, प्रेसिडेंट का पद जो है वो वेकेंट हो जाए, किसी भी कई कारण हैं, चाहे वो रिमूवल का हो, चाहे वो उसको उनको प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या उनकी तबीयत खराब हो जाए, उनको किसी टूर पर फौरन जाना पड़ जाए कुछ समय के लिए, उनको उन्होंने खुद से रिजाइन दे दिया हो, तो ऐसे कुछ ओकेजन है जब एक वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की भूमिका निभानी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा जो उनका जो कार्य रहता है वो सीमित रहता है, राज्यसभा के वो चेयरमैन है, ठीक है। इस यही बात की गई है, ये देखिए, रीजन फॉर डिफरेंस इन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, क्या रीजन है? प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द नेशन स्टेट है, सेंटर प्लस स्टेट्स सभी के एडमिनिस्ट्रेशन को वो देखते हैं, चाहे वो गवर्नर के थ्रू देखें, ठीक है। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट जो है, हिज नॉर्मल फंक्शंस आर टू प्रिसाइड ओवर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। देन मैनर ऑफ इलेक्शन, देखिए, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के दोनों को के जो इलेक्शंस हैं उनका मैनर ऑफ इलेक्शन सेम रहेगा, सेम तरीके से इलेक्शन होते हैं दोनों के। फर्क है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज के में फर्क है। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो छोटा होता है और प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो बड़ा होता है, उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज MLAs भी आ जाते हैं, ठीक है। तो सेम मैनर है, सेम प्रोसीजर है, विद सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड बाय सीक्रेट बैलेट, गोपनीय तरीके से चुनाव होते हैं, सीक्रेट बैलेट होता है, ठीक है, सीक्रेटली बैलेट पेपर मिलता है। जैसे मान लो ये बैलेट पेपर है, सभी मेंबर्स को बैलेट पेपर मिलता है, उसके अंदर सभी जितने भी कैंडिडेट होते हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में की रेस में खड़े होते हैं, उन सब के नाम होते हैं, जैसे मान लो ए बी सी डी, ये चार कैंडिडेट खड़े हैं, तो जो वोट करना है वो एक को वोट नहीं करना बल्कि प्रेफरेंस देनी है कि पहली प्रेफरेंस में सी वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहिए, सेकंड प्रेफरेंस ए बनना चाहिए, देन थर्ड बनना चाहिए, देन फोर्थ बनना चाहिए, ये प्रेफरेंस दे रही। ऐसे ही सभी मेंबर्स अपने अपने सीक्रेट बैलेट पेपर पर प्रेफरेंस दे देंगे सभी कैंडिडेट्स को, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी कैंडिडेट हैं सबको प्रेफरेंस वाइज वोटिंग करनी है। देन जिसको सबसे कम वोट मिलेंगे ए बी सी डी में से, जिसको कम वोट मिलेंगे, मान लो डी को कम वोट मिले, तो डी को सबसे कम वोट मिले हैं तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसके जो वोट्स हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे ए बी सी में। देन मान लो बी को, इन तीनों में से बी को कम वोट मिले तो देन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, देन ए और सी जो हैं, ए और सी इन दोनों को के बीच में काउंटिंग होगी। ऐसे काउंटिंग के भी जो है मल्टीपल राउंड्स होते हैं काउंटिंग के, ठीक है। तो ऐसे एलिमिनेट करते करते जो भी मेंबर रह जाएगा वो जीत जाएगा, ठीक है। 50% + 1, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट रहता है, सीक्रेट बैलेट डिटेल में जो है वो प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में समझाया हुआ है, वहां आप देख सकते हैं, ठीक है। देन बात करेंगे क्वालिफिकेशन की,
जो वाइस प्रेसिडेंट है कौन बन सकता है। देखिए, सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकेंडली, ही कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 साल की उम्र कंप्लीट कर चुका हो, 35 साल से उम्र में बड़ा हो, 35 साल से ऊपर का हो। थर्ड, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का मेंबर बनने के भी वो लायक हो, क्वालिफाइड कर सके, ऐसा मेंबर होना चाहिए। फोर्थ, नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी, यानी कि भारत सरकार में, किसी भी राज्य सरकार में, या किसी भी लोकल लेवल पर जो अथॉरिटी है, या कोई पब्लिक अथॉरिटी है, एनी अदर अथॉरिटी जो कि पब्लिक है, वहां पर वो उसकी कहीं से भी तनख्वाह नहीं आ रही हो, ठीक है, कोई भी एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में वो इन्वॉल्व ना हो, कोई भी ऐसा उसने पोस्ट होल्ड ना की हो, ठीक है, अगर ऐसा है तो उसको तुरंत वो छोड़ दे, ठीक है। तो ये है क्वालिफिकेशन। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, यूनियन मिनिस्टर्स एंड स्टेट मिनिस्टर्स, ये कुछ पोस्ट ऐसी हैं, दीज आर नॉट डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं या उपराष्ट्रपति हैं या गवर्नर साहब हैं, महामहिम राज्यपाल हैं, किसी भी स्टेट के हों, या फिर केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री जितने भी हैं, ये अलग से किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं रह सकते, ना तो यूनियन गवर्नमेंट में, ना स्टेट गवर्नमेंट में, ना लोकल अथॉरिटी में, ना किसी अदर पब्लिक अथॉरिटी में, ये किसी भी अलग से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं रह सकते। ये अगर प्रेसिडेंट बन गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो इनको अपना, अगर ये सदस्य हैं कहीं के भी, चाहे वो MP हों या MLA हों, इनको अपने मेंबरशिप छोड़नी होगी, ठीक है। देन नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कि कोई भी अगर उपराष्ट्रपति के लिए अपना आवेदन, कैंडिडेट नॉमिनेशन भरना चाहता है, तो ऐसे में उसको ये सब रिक्वायरमेंट्स जो हैं पूरी करनी होंगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI में उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 रुपये उसको डिपॉजिट कराने होंगे। इसके अलावा, सब्सक्राइब्ड बाय 20 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स, 20 इलेक्टर्स उसका नाम प्रस्तावित करेंगे, ठीक है ना। देन ओथ और अफर्मेशन, कि कोई अगर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया है तो उसको अपना ऑफिस में एंटर करने से पहले पहले उसको शपथ दिलवाई जाएगी। शपथ कौन दिलवाएंगे? भारत के राष्ट्रपति दिलवाएंगे, प्रेसिडेंट। ओथ एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय हिम, राष्ट्रपति दिलवाएंगे या राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया हुआ पर्सन जो होगा वो दिलवाएगा शपथ, ठीक है। देन वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो क्या शपथ लेंगे, क्या ऑथ लेंगे? वाइस प्रेसिडेंट स्वीयर्स टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखेंगे। सेकंड है, टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, वो पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ अपने जो भी ऑफिस की उनकी ड्यूटीज होंगी उनको वो पूरा करेंगे, ठीक है, अपने कार्यों को वो पूरी जिम्मेवारी के साथ निभाएंगे, ठीक है। देन है कंडीशंस ऑफ ऑफिस, कि क्या कंडीशन रहती हैं एक वाइस प्रेसिडेंट की। दो शर्तें हैं, टू कंडीशंस। फर्स्ट, जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, वो कहीं भी अलग से किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में को होल्ड नहीं कर सकता। इसके अलावा, ही शुड नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई भी अगर वाइस प्रेसिडेंट बन गया है, इलेक्ट हो गया है, तो उस वो एमएलए या एमपी नहीं रह सकता। अगर वो है तो उसको अपना जो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करने से पहले पहले उस डे तक, जिस दिन उसने एंटर करना है उस डे तक उसको अपनी मेंबरशिप छोड़नी होगी एज अ एमएलए और एमपी, वरना तो पार्लियामेंट के किसी सदन का सदस्य रह सकता है, ना विधानसभा के किसी भी, ना विधानसभा का सदस्य रह सकता है, ना विधान परिषद का सदस्य रह सकता है। ठीक है, देन है टर्म ऑफ ऑफिस, कितना कार्यकाल रहता है, टाइम पीरियड क्या रहता है। एक वाइस प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड 5 ईयर्स रहता है, 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, जिस डेट को उसने अपने ऑफिस में एंटर किया है उस डेट से शुरुआत होगी। 5 वर्षों तक वो अपने ऑफिस में बना रह सकता है। ठीक है, 5 साल का टाइम पीरियड है, इससे पहले भी उसको वो अगर बाय रेजिग्नेशन रिजाइन कैन रिजाइन आल्सो एट एनी टाइम, वो किसी भी समय रिजाइन भी कर सकता है। उसके लिए क्या करना होगा, बाय सेंडिंग अ रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को रेजिग्नेशन लेटर दे करके वो रिजाइन कभी भी ले सकता है एट एनी टाइम। इसके अलावा कैन बी रिमूव्ड, उसको रिमूव भी किया जा सकता है। रिमूव करने के लिए प्रोसीजर दिया गया है अलग से, लेकिन फॉर्मल इम्पीचमेंट जो कि प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए चाहिए होती है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए। वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है तो एक रिजोल्यूशन जो है वो पास किया जाता है राज्यसभा के अंदर विद इफेक्टिव मेजोरिटी। देन राज्यसभा में वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो लोकसभा में वो रेजोल्यूशन भेजा जाता है फॉर एग्रीमेंट ऑफ लोकसभा विद सिंपल मेजोरिटी। अगर वहां पर भी लोकसभा भी एग्री हो जाती है देन वो जो रेजोल्यूशन है वो भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास फॉर सिग्नेचर। एंड प्रेसिडेंट उस पर जब सिग्नेचर कर देते हैं देन प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन ये जो रिजोल्यूशन है, इस रिजोल्यूशन को राज्यसभा में या लोकसभा में मूव करने से पहले पहले 14 दिन का एटलीस्ट 14 डेज नोटिस देना जरूरी होता है। ठीक है, इसको डिटेल में हम समझते हैं। कैन बी रिमूव्ड एट एनी टाइम ऑन एनी ग्राउंड बाय रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास्ड बाय इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है उसको समझो, पहले समझो मेजोरिटी क्या होती है। मेजोरिटी यानी कि बहुमत, बहुमत यानी 50% प्लस 1। 100 का 50% कितना है, 50। 50 प्लस 1 मेजोरिटी हो गई, बहुमत हो गया 51। इसी तरीके इफेक्टिव मेजोरिटी 50% प्लस 1 यानी मेजोरिटी ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ, 50% प्लस 1 ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होती है उसको समझो, इफेक्टिव स्ट्रेंथ यानी कि राज्यसभा के जितनी भी टोटल सीट्स हैं, टोटल सीट्स ऑफ राज्यसभा और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा माइनस वैकेंसीज, जितनी भी सीटें खाली हैं, टोटल सीट्स माइनस वैकेंसीज निकल के आ जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, देखो राज्यसभा की अगर 245 सीटें हैं उसमें 15 वैकेंसीज हैं, वो किसी भी रीजन से हो सकती हैं वैकेंसी, चाहे वो मेंबर ने रिजाइन दे दिया हो या उसकी डेथ हो गई हो या फिर उसको रिमूव कर दिया हो या उसका कार्यकाल पूरा हो गया हो, ठीक है, टेन्योर उसका कंप्लीट हो गया हो, तो किसी भी रीजन से अगर वैकेंसी आ गई है, टोटल सीट्स माइनस वैकेंसीज 230, तो ये जो 230 है ये इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ। तो इफेक्टिव मेजोरिटी को कैसे पास किया जाता है, मेजोरिटी ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ यानी 50% प्लस 1 ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ 230 है तो इसकी मेजोरिटी निकालो
मेजोरिटी निकल के आएगी 50% प्लस वन, आधा 50% कितना हुआ 115 प्लस वन यानी 116 क्या है मेजोरिटी है, इफेक्टिव मेजोरिटी राज्यसभा की। जब ये पास हो जाएगी देन जो रिजोल्यूशन है वो सेंड किया जाएगा फॉर एग्रीमेंट ऑफ लोकसभा, एग्रीमेंट एग्रीड बाय सिंपल मेजोरिटी बाय लोकसभा। सिंपल मेजोरिटी का क्या फॉर्मूला है, सिंपल मेजोरिटी का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि लोकसभा के जितने भी टोटल सीट हैं उससे कोई मतलब नहीं है। मौके पर उस दिन जिस दिन रिजोल्यूशन पास करना है उस दिन मौके पर जितने भी सदस्य प्रेजेंट होंगे उन प्रेजेंट लोग जितने भी प्रेजेंट सदस्य हैं वो जब वोट डालेंगे तो उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर 400 लोग उस दिन प्रेजेंट हैं तो उसकी मेजोरिटी 200 प्लस वन, तो वो सिंपल मेजोरिटी है, ठीक है। देन प्रेसिडेंट के पास जाएगा सिग्नेचर के बाद रिजोल्यूशन पास होगा और रिमूव कर दिए जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट। देन एट लीस्ट 14 डेज एडवांस नोटिस हैज बीन गिवन बिफोर मूविंग अ रिजोल्यूशन ऑन एनी ग्राउंड। देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये नहीं बताया गया है, स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का क्या ग्राउंड है, किसी भी ग्राउंड पर उसको उनको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट को ऐसे रिमूव नहीं किया जा सकता, उसके लिए स्पेसिफिक ग्राउंड दिए हुए हैं। देन वाइस प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, ठीक है। तो कोई भी अगर पर्सन वाइस प्रेसिडेंट है वो दोबारा इलेक्शन लड़के दोबारा वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, वो एलिजिबल रहेगा वाइस प्रेसिडेंट के लिए फॉर री इलेक्शन, ठीक है, जितनी मर्जी बार वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। देन है ही कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years अंटिल हिज सक्सेसर एज्यूम्स चार्ज। मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है मौजूदा समय में उसका अगर कार्यकाल 5 साल कंप्लीट हो भी गए हैं तो भी वो अपने पद को तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक कोई नया न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस संभालने के लिए जब तक नहीं आता, ठीक है। कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम्स चार्ज। देन है वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट की का ऑफिस है वो वैकेंट भी होता है, कई कारण है उसके, कैन ऑकर ऑन बिकॉज ऑफ ऑन एक्सपायरी ऑफ टेन्योर। जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका कार्यकाल पूरा हो गया हो या बाय रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन दे दिया हो या उसको रिमूव कर दिया गया हो या फिर उसकी डेथ हो गई हो, ठीक है, या अदरवाइज कोई और रीजन भी हो सकता है जब एक वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाता है, रिक्तता आ जाती है, ठीक है। अदरवाइज यानी कि जैसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके इलेक्शंस को डिक्लेयर्ड किया जाए वॉइड, ठीक है। तो फिर है इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। मतलब कोई भी सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट है उसका कार्यकाल जो है पूरा होने वाला है, ठीक है, तो उसके एक्सपायर होने कार्य टर्म एक्सपायर होने से पहले पहले इलेक्शन करवा लेने चाहिए, ठीक है। देन इफ वैकेंसी फॉल्स बाय रेजिग्नेशन रिमूवल डेथ और अदरवाइज देन इलेक्शन हेल्ड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ द वैकेंसी। अगर सडनली अचानक से ये जो पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की ये वैकेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन रिमूवल डेथ और अदरवाइज देन इलेक्शन हेल्ड एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके चुनाव करवाए जाए आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ द वैकेंसी, ठीक है। देन है newly elected vice president remains in office for a full term of 5 years from the date he assumes charge of his office। yani ki jo bhi newly elected vice president aayega wo apna
पांच साल का कार्यकाल पूरा ही करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पिछले वाइस प्रेसिडेंट ने अपना 2 साल का कार्यकाल किया कंप्लीट, और बाकी के जो 3 साल हैं तो न्यूली इलेक्टेड मेंबर आएगा वो 3 साल के लिए ही अपना काम कार्य करेगा। नहीं, उसका जो टेन्योर है, कार्यकाल है, वो पूरे 5 साल का ही रहेगा। ठीक है। देन है इलेक्शन डिस्प्यूट्स। इलेक्शन डिस्प्यूट्स वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से रिलेटेड जितने भी इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ठीक है। ऑल डाउट्स डिस्प्यूट्स डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर डिटरमाइंड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही, डिसीजन ही फाइनल माना जाएगा। देन इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ वैकेंसी। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर कौन कौन होते हैं? लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स, चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर हो चाहे वो इलेक्टेड मेंबर हो, बोथ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा आर द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। तो कई बार राज्यसभा की सीट्स वैकेंट होती हैं, खाली होती हैं, तो मौके पर जितने भी राज्यसभा लोकसभा के मेंबर्स होंगे, द देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है, जितने भी मेंबर्स होंगे वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होंगे, मेंबर्स होंगे। ठीक है। और वो वैलिड माना जाएगा इलेक्टोरल कॉलेज, इनवैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो क्योंकि वो वैलिड है, इसलिए इस आधार पर कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज था वो इनकम्प्लीट है बिकॉज ऑफ वैकेंसी, तो इस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति चैलेंज नहीं कर सकता वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को। ठीक है ना। देन है इफ इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स डन बाय हिम बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर नॉट इनवैलिडेटेड दैट इज कॉन्टिन्यू टू रिमेन इन फोर्स। यानी कि कोई भी वाइस प्रेसिडेंट है, उसका 2-3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, उसने बहुत सारे काम किए हैं 2-3 सालों में, काफी सारे डिसीजंस लिए हैं, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आ जाए कि इसको डिसक्वालिफाइड कर दिया जाए और उसको कहा जाए कि ये उसको डिक्लेयर कर दिया जाए डिक्लेयर्ड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट कि उसके जो इलेक्शंस हैं वो गलत तरीके से हुए हैं, उसमें गड़बड़ी हुई है, इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और डिस्क्वालीफाई किया है, उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट ने जो भी काम किए हैं वो वैलिड माने जाएंगे, इनवैलिड नहीं माने जाएंगे। ठीक है। नॉट इनवैलिडेटेड, वो वैलिडेटेड है। ठीक है। दैट इज कॉन्टिन्यू टू रिमेन इन फोर्स। ठीक है। इफ इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स डन बाय हिम बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर नॉट इनवैलिडेटेड दैट इज कॉन्टिन्यू टू रिमेन इन फोर्स। देन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स की, वाइस प्रेसिडेंट के क्या कार्य रहते हैं, क्या फंक्शंस रहते हैं, क्या शक्तियां होती हैं उसके पास। ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ही एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। ठीक है। वो चेयरमैन होता है, मेन ड्यूटी उसकी यही है नॉर्मली कि वो वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन होता है। सेकंड फंक्शन उसका ये होता है कि ही एक्ट्स एज प्रेसिडेंट व्हेन वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। जब राष्ट्रपति
को ऑफिस वैकेंट हो, रिक्तता हो, वहाँ कोई भी राष्ट्रपति ना हो, तो ऐसे में जो जिम्मेवारी है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है, राष्ट्रपति के सारे कार्य करता है। ठीक है। ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स विद इन विच अ न्यू प्रेसिडेंट हैज टू बी इलेक्टेड। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की भूमिका निभाता है, राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने तक वो राष्ट्रपति बना रह सकता है, राष्ट्रपति की भूमिका निभा सकता है। इसके विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शंस के द्वारा प्रेसिडेंट, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट आ जाना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि वो मैक्सिमम पीरियड 6 मंथ्स ही है, 6 महीने तक ही रह सकता है। देन है, वाइल एक्टिंग एज प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जब वाइस प्रेसिडेंट का नॉर्मल काम होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन है, लेकिन जब वो एक राष्ट्रपति की भूमिका निभा रहा होता है तो ऐसे में जो उसका काम है एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो काम कौन देखता है? डिप्टी चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन का काम संभालता है। डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का सारा कार्य संभालता है। देन कंपैरिजन बिटवीन इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, दोनों का सेम मॉडल है। इंडिया के अंदर जो हमने वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस बनाया हुआ है वो अमेरिकन मॉडल पर ही बेस्ड है। जैसे इंडिया के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो पार्लियामेंट के अपर हाउस का चेयरमैन होता है, यानी कि राज्यसभा जो कि अपर हाउस है उसका वो चेयरमैन है वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे ही सेम अमेरिका के अंदर जो अमेरिका का जो अपर हाउस है जिसे सीनेट बोला जाता है, तो अपर हाउस का चेयरमैन अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है, यानी वो सीनेट का चेयरमैन है वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का। ठीक है, तो सेम मॉडल है लेकिन कुछ डिफरेंस भी है। देखिए, ये इंडियन वाइस प्रेसिडेंट और ये अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है ही सक्सीड्स टू द प्रेसिडेंसी व्हेन इट फॉल्स वेकेंट एंड रिमेन्स प्रेसिडेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ हिज प्रेडिसेसर। यानी कि जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट ही बन जाता है जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट होता है, रिक्तता आती है। जब प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हो गई तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट ही बन जाता है, और उसका जितना बचा हुआ कार्यकाल है वो वाइस प्रेसिडेंट उस कार्यकाल को एज अ प्रेसिडेंट निभाता है, वो काम करता है। ठीक है, एंड रिमेन्स प्रेजिडेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म, जितनी भी बची हुई टर्म है, अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ हिज प्रेडिसेसर। ठीक है, लेकिन इंडिया का मॉडल क्या है? इंडियन वाइस प्रेसिडेंट जो है ही डज नॉट एज्यूम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन इट फॉल्स वेकेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म। यानी कि जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट का पद रिक्त होने पर प्रेसिडेंट नहीं बन जाता, बल्कि वो प्रेसिडेंट के जैसी भूमिका निभाता है। ही एक्ट एज अ प्रेसिडेंट बट नॉट अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो सिर्फ सेवा करता है, वो सिर्फ प्रेसिडेंट वाली भूमिका निभाता है, मैक्सिमम 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर के आ जाना चाहिए। वो तब तक ही बना रहता है जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आता। ठीक है, ही मेयरली, वो सिर्फ और सिर्फ ही मेयरली सर्व्स एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट अंटिल द न्यू प्रेसिडेंट अज्यूम्स चार्ज। ठीक है, देन दिस ऑफिस वाज क्रिएटेड विद अ व्यू टू मेंटेन द पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी ऑफ द इंडियन स्टेट। यानी कि जो ये वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट बनाई गई है इंडिया के अंदर, ये जो ऑफिस बनाया गया है ये सिर्फ और सिर्फ
पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए ही बनाया गया है, ताकि मान लो प्रेसिडेंट का पद रिक्त होता है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करके उसकी जिम्मेवारियों को, उसके रोल को, उसकी ड्यूटीज को पूरा करेगा, ठीक है। और जैसे ही न्यू प्रेसिडेंट आ जाएगा, वो दोबारा से वाइस प्रेसिडेंट अपना जो चेयरमैन, राज्यसभा का चेयरमैन वाली भूमिका निभाएगा, वो अपना काम करेगा, ठीक है। देन बात करेंगे इमोल्यूमेंट्स, यानी कि सैलरीज, पर्क्स, अलाउंसेस क्या रहती हैं एक वाइस प्रेसिडेंट की। जो इमोल्यूमेंट्स हैं वाइस प्रेसिडेंट की, नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के द्वारा फिक्स नहीं की गई हैं, बल्कि ये डिटरमाइन की जाती है बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट निर्धारित करती है वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी को, अलाउंसेस को, पर्क्स को, ठीक है। तो जो एक वाइस प्रेसिडेंट है वो जो सैलरी, रेगुलर सैलरी लेता है, वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट नहीं लेता, बल्कि एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा लेता है, ठीक है। ड्रॉज हिज रेगुलर सैलरी एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्योंकि वो एक राज्यसभा का चेयरमैन होता है, तो वो एज अ राज्यसभा का चेयरमैन होने के नाते सैलरी लेता है, ना कि वो वाइस प्रेसिडेंट है इसलिए सैलरी लेता है, ठीक है ना। देन When he act as president, at that time he gets the salary and allowances of president. यानी कि जब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट की भूमिका निभाता है, मान लो 4 महीने के लिए किसी वाइस प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई है, तो उस 4 महीने तक की जो प्रेसिडेंट की जो सैलरी होगी वो वाइस प्रेसिडेंट को मिलेगी, क्योंकि इसने एज अ वाइस, एज अ प्रेसिडेंट काम किया है, तो उसको प्रेसिडेंट वाली सैलरी मिलेगी 4 महीने तक। अगर वो 5 महीने तक काम करेगा तो 5 महीने की सैलरी मिलेगी प्रेसिडेंट वाली, ठीक है। व्हेन ही एक्ट एज प्रेसिडेंट एट दैट टाइम ही गेट सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो करंटली मौजूदा समय में कितनी सैलरी है? 4 लाख। 4 लाख एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की सैलरी है। पहले थी 1.25 लाख रुपया, देन 2018 में पार्लियामेंट के द्वारा दोबारा डिटरमाइन किया गया, रिवाइज की गई सैलरी और बढ़ा करके 4 लाख रुपए कर दी गई। रेगुलर सैलरी 4 लाख के अलावा डेली अलाउंसेस मिलते हैं, फ्री फर्निश्ड रेजिडेंस मिला हुआ है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस फैसिलिटीज मिलती हैं, एंड अदर फैसिलिटीज भी रहती हैं। तो इस वीडियो में, इस चैप्टर में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है।